दोस्तों पहले स्टेप में अपने डिवाइस को डाउनलोड होने के बाद जो है आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी, तो वो भी चेक करवा देते हैं आपको। तो आप जो है पोर्ट्स देखें चली गई हैं आपकी डिवाइस, यहाँ पे अनलॉक होने के बाद जो है वो रीस्टार्ट भी हो सकती है, और जो ब्लिंकिंग लाइट्स थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी, अब नॉर्मल लाइट्स जलेंगी। तो
तो ये सक्सेसफुल। अगर आपका फर्म जो है फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो ये ओके आता है, वरना क्रास आएगा। तो इसको फिनिश कर देंगे। आप चेक करते हैं इसको, हमारी डिवाइस अनलॉक्ड है या नहीं है। दोबारा डी सी अनलॉकर में सर्च करेंगे आप डिवाइस को। यहाँ पे देखें अनलॉक्ड स्टेटस आ रहा है और आपका वर्जन भी चेंज हो चुका है। फर्मवेयर वर्जन भी आप 21.323 हो चुका है, पहले 318 था। यहाँ पे आप डिवाइस की सेटिंग में भी जाके चेक कर सकते हैं। इसका पासवर्ड जो है वो एडमिन होता है, लॉगिन यूज़र नेम भी एडमिन होता है। लॉगिन करने के बाद सेटिंग में जाके आप डिवाइस इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन अब जो है एक काम रह गया है, आप इस डिवाइस को इमी देंगे मोबाइल का, तभी मोबाइल की सिम आपकी चलेगी। डिवाइस इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि वर्जन चेंज हो चुका है आपकी डिवाइस का, 21.323.01 जो है, और यहाँ भी वही वर्जन है। अब हम इमी को चेंज करेंगे। इमी जनरेटर हमारे पास इसको एक्सट्रैक्ट करके आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप मोबाइल की इमी देंगे, आखिरी 5 डिजिट जो है वो आपने चेंज कर देने हैं। आपने जो मोबाइल की इमी है वैसे की वैसे नहीं देनी है, आपने आखिरी 4-5 इंच से जो है वो चेंज कर लेने हैं। तो इसको जनरेट कर देंगे। तो ये आपके पास लास्ट में कमांड है, इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद डीसी अनलॉकर में जाके यही कमांड पेस्ट कर देंगे और इंटर का बटन दबा दें। ओके आया तो आपकी इमेज चेंज हो जाएगी आपकी डिवाइस की। एक और कमांड जो है वो आप दे देंगे at info.bu। इसको आप डीसी अनलॉकर में पेस्ट करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे, तो ये भी ओके हो जाएगी। अब आप डिवाइस को रीसेट कर लेंगे, रीसेट कमांड देंगे एटी रीसेट और एंटर कर देंगे, आपकी डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगी और अनलॉक हो चुकी है आपकी डिवाइस। दोस्तों दुआओं में ज़रूर याद रखिए, कोई मसला हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, हो सके तो शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।